नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 18(1) धारा 18(1) के तहत शिकायत वाद सूचना आयोग में कैसे दायर करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें यदि हम लोग सूचना पदाधिकारी से सूचना मांगते हैं और वो उस समय सूचना नहीं देते हैं या गलत सूचना देते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं या धमकी देते हैं या किसी भी तरह का, अगर लोक सूचना पदाधिकारी से आपकी शिकायत कोई हो तो आप सूचना आयोग में धारा 18(1) के तहत शिकायत वाद दायर कर सकते हैं। तो कैसे शिकायत वाद दायर करेंगे, आप लोग इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे। इसी तरह आप लोग लिखेंगे आवेदन सेवा में बिहार राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, चौथी मंदिर, पटना 15। यह हम बिहार राज्य से संबंधित मैंने मांगा है, इसलिए ये बिहार राज्य का पता है। और कोई भी अपने अपने राज्य का पूरा पता लिखेंगे, जैसे राजस्थान राज्य सूचना आयोग अपना पता दे देंगे या दिल्ली राज्य सूचना आयोग, जो भी इस भी स्टेट से आप लोग हों संबंधित स्टेट का नाम दे देंगे। विषय में लिख देंगे सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत करने के संबंध में आप लोग दे सकते हैं। नाम लिख दे देंगे लोक सूचना पदाधिकारी, और जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी से आपकी शिकायत है उनका पता देंगे। जैसे मैंने यहाँ थाना प्रभारी की शिकायत की है, वो आप सह लगा के दे देंगे, या अंचलाधिकारी जिस भी कार्यालय या प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो भी जिसकी जो भी लोक सूचना पदाधिकारी हैं, कहने का मतलब जो कार्यालय के प्रमुख होते हैं वो लोक सूचना पदाधिकारी भी होते हैं, उसी तरह आप लोग लोक सूचना पदाधिकारी सह लगा देंगे अपना। उनका यदि नाम जानते हैं तो उनका नाम भी दे सकते हैं और उनका पता दे देंगे। यहाँ पर कार्यालय का क्या पता है वो पूरा पिन कोड सहित देंगे। फिर आवेदक का नाम मैंने शिकायतकर्ता जो है वो अपना नाम पूरा पता लिखेंगे, यहाँ इस तरह डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे मैं उपयुक्त विभाग या कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन जमा करने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहा। माने यदि आप वहां जाके जमा करते हैं और वो नहीं लेते हैं तो इस प्रकार का यहां शिकायत देंगे, या जिसको जैसी शिकायत करनी हो वो अपना लिखेंगे। क्योंकि पहला लोक सूचना पदाधिकारी ने मेरे आवेदन लेने से इनकार कर दिया, मैंने पुनः रजिस्टर डाक से इतना इतना से आवेदन भेजा लेकिन सौसमय सूचना नहीं दी गई है। जिस भी तरह की आपकी शिकायत हो वो अपना पॉइंट टू पॉइंट 1, 2, 3 करके आप अपना शिकायत लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे मैं लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं तो दुर्व्यवहार देंगे, डांट फटकार के भगा देते हैं तो वो भी करते हैं, या जो भी आपकी शिकायत हो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिख देंगे। उसके बाद प्रार्थना के रूप में लिखेंगे लोक सूचना पदाधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना तुरंत प्रदान करने का आदेश दिया जाए, साथ ही आयोग से यह भी निवेदन है कि लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ धारा 20(1) के तहत आर्थिक दंड लगाया जाए एवं कार्य ठीक से नहीं करने के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने की कृपा की जाए। तो अगर वो नहीं करते हैं तो 20(1) के तहत उनको आर्थिक दंड मिलेगा और 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने का प्रावधान है, और आप 18(1) के तहत यह शिकायत वाद दायर कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे शायद ठीक ढंग से। उसके बाद सत्यापन में लिखेंगे मैं सत्यापित करता हूं कि शिकायत में प्रदान की गई जानकारी मेरी सूचना की जानकारी मेरी जानकारी में सही है, मतलब जो भी आप लिखे हैं वो आपकी जानकारी में सही है। शुल्क, हालांकि शिकायत वाद दायर करने में कोई शुल्क नहीं लगता है, मैंने तो शुल्क इसमें डाल दिया था पोस्टल ऑर्डर, लेकिन आप लोगों को 18(1) के तहत शिकायत वाद दायर करने में किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पूरा पता लिखेंगे अपना,
उसमें अनुलग्नक में दे देंगे जो प्रपत्र को आप जमा करना चाहते थे या जमा किए हैं, जिससे संबंधित आपको सूचना नहीं दी गई है, उसका छाया प्रति लगा देंगे और सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। ध्यान रखेंगे जो भी कागजात देंगे आप सेल्फ अटेस्टेड देंगे। उसके बाद इसमें एक घोषणा पत्र भी दिया जाता है, आप एक घोषणा पत्र लगा देंगे कि मैं इसके पूर्व संबंधित स्वरूप से कोई भी शिकायत बात दायर नहीं किया है। एक सूचना आप लोग उसमें घोषणा पत्र लगा देंगे। और आजकल अब चार एक ही पेज में आप लोग चार को 1 2 3 4 करके अपना चार पता पूरा डिटेल से आप लोग डाल देंगे। ये नया बिहार राज्य सूचना आयोग में एक नया ये नियम लागू कर दिया गया है, इसलिए चार पता आप लोग अपना अलग से पेज लगा के नाम दे देंगे, उसको भरकर सीधा आप लोग सूचना आयोग में आप इसको शिकायत बाद दायर कर सकते हैं। सूचना आयोग का पता लिफाफे में लिख देंगे। इसी तरह सेवा में बिहार राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, चौथी मंजिल, पटना 15, पिन कोड जो है 800015 है। इस तरह करके आप शिकायत बाद दायर कर सकते हैं। इस यह शिकायत बाद मैंने दायर किया है, जिस पर सुनवाई भी चल रही है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। देखिए इसी तरह घोषणा पत्र की जो चर्चा मैंने की थी, इसी तरह लिखना है घोषणा पत्र। स्व घोषणा में मैं अपना नाम पूरा पता लिख देंगे। उसके बाद मैं स्व घोषणा करता हूँ कि समरूप मामले में पूर्व में बिहार सूचना आयोग में कोई द्वितीय अपील या शिकायत वाद दायर नहीं किया है, एवं यह मामला किसी भी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में लंबित नहीं है। अपना हस्ताक्षर करके डेट दे देंगे। इसी प्रकार स्व घोषणा लगेगा। और ये हुआ आपका सूचना आयोग का पता, आप लोग देख रहे हैं इस तरह, इस इधर अपना पता लिख देंगे। उसके बाद एक अलग पेज में चार पूरा पता लिख करके भेजेंगे। अब इस पर कार्रवाई चल रही है, आप लोग भी इसे देख लें। यह है वहाँ का नोटिस जो मुझे सूचना आयोग द्वारा प्राप्त हुआ है। इसके पहले भी एक आदेश आया था, देखिए इसी प्रकार का सूचना आयोग में नोटिस मुझे प्राप्त है। और जिनके खिलाफ मैंने शिकायत किया है उन्हें भी प्रतिलिपि भेजी गई है, इस पर सुनवाई चल रही है। आशा है दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर शीघ्र ही कार्रवाई होगी। आप लोग समझ गए होंगे, इसको अवश्य एक दूसरे को शेयर करें। इसकी जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए, जिससे इसका उपयोग आप लोग शिकायत बाद 18(1) के तहत कर सकते हैं किसी भी तरह की शिकायत। जय हिंद।